लंबे इंतजार के बाद इंदौर संसदीय सीट से बीजेपी ने शंकर लालवानी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले कुछ समय से सीट से उम्मीदवारों को उतारने की कवायद चल रही थी। यहां से 8 बार की सांसद रही सुमित्रा महाजन को टिकट नहीं दिए जाने के बाद से खबरें आ रही थी कि यहां किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। बीजेपी की गढ़ माने जाने वाली सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के प्रभारी होने के चलते उन्होंने एक ट्वीट कर चुनाव ना लड़ने से इनकार कर दिया था। आखिरकार बीजेपी ने कांग्रेस के पंकज संघवी के खिलाफ शंकर लालवानी को चुनावी मैदान में उतारा है। वे इंदौर से पार्षद रह चुके हैं, साथ ही वे इंदौर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लालवानी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। इंदौर में वे सिंधी समाज के प्रमुख चेहरे हैं। देखिए, रणनीति पार्टी बनाती है, पार्टी संगठन बनाता है, और हम सब लोग जैसे पार्टी संगठन तय करते हैं उस रणनीति के अंतर्गत ही चुनाव लड़ते हैं। चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाता है। किसी को संकेत नहीं मिले थे, और हमारे जैसे मैंने बताया कि पार्टी तय करती है और पार्टी के कार्यकर्ताओं आगे मौका दिया जाता है, तो इस प्रकार के संकेत पार्टी में दिए नहीं थे। सभी से चर्चा करके एक परिवार संगठन, एक परिवार भाव स्वरूप में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबने मिलकर ये तय करा होगा। केंद्रीय नेतृत्व, हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेता और हमारे सभी कार्यकर्ता, उन सबका धन्यवाद।